Good afternoon, everyone, and welcome to the orientation session for tax for September 2023 exam. Tax this time is on blended model. Blended model में कैसे कैसे चलेगा आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है What all assistance I will be giving? Everything we are going to discuss today. सबसे पहली चीज इस पेपर को आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है This is a paper which has got a हाथी syllabus. Too many chapters, too many provisions. इनका कुछ तरीका है जो अब अब हम ब्लेंडेड में फॉलो कर सकते हैं बिकॉज आई एल टेल यू व्हेन आई टूक इट लाइव तो लाइव लेने में ही इतनी एनर्जी और इतना टाइम लग जाता था कि उसके बाद में किसी और चीज का टाइम नहीं मिलता था आई गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको अब इस पेपर में करते टाइम यूज करनी है कैसे करेंगे आई टेल यू यूच एंड एवरी तो सबसे पहली चीज पे तो आते हैं ब्लेंडेड बैच में क्या क्या है आपको क्या क्या मिलने वाला है फिर दिखाऊंगी एल एम एस पे यानी हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से आप कैसे एक्सेस करेंगे उसके इसमें so, बाकी पे पे सारे, पे। इस सारे पेपर्स भी थे आई हैव रिमूव अदर पेपर्स और मैंने सिर्फ यहाँ पे टैक्स वाले को रखा हुआ है अभी आपको समझाने के लिए एग्जैक्टली exactly अभी इस पूरे कोर्स में क्या क्या है नंबर वन आप क्लास रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं टू एंड हाफ टाइम्स सपोज आवर्स का पूरा का पूरा कोर्स है यानी आप हर चैप्टर को टू एंड आइडिया इज नंबर वन यू डू नॉट कीप ऑन वॉचिंग द्लासेज फॉर एवर कोशिश करो एक बार में अलर्ट होके आप सब कुछ समझो क्योंकि बार बार क्लासेस देखने से बार बार दिमाग में घुस नहीं रहा है यू आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम So there is no harm कि आप एक बार जब पढ़ने बैठ रहे हो ना उसीज ऑन करो समझते जाओ और उसी टाइम चीजें नोट करते जाओ दैट ऑफ टाइम एंड एक्चुअली मेक यू है तो जो क्लासेस में होनी है उनपे हंड्रेड आवर्स मत लगाना दैट्स दी होल आइडिया वो सिक्सटी की ज्यादा से ज्यादा एटी हो सकती है हो सकता है एक चैप्टर समझ में नहीं आया हो रीविजिटेड हो सकता है दूसरी बार भी कम समझ में आया हो देख लो लेकिन पूरा सिलेबस अगर दो दो तीन तीन बार देखना पड़ रहा है तो काफी चिंता का मुद्दा है इसलिए अपना टाइम बचाना एक बार में अलर्ट होके पेपर पेन लेके टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना सो दैट इज दिस एक्सेस इज फाइव टाइम्स अब ये हम आपको कितने क्वार्टर्स के लिए देते हैं ये बाय डिफॉल्ट दो क्वार्टर नहीं है। अगर आप पास हो गए वी विल टेक इट बैक देन यू डोंट नीड इट लेकिन ये टू क्वार्टर तक देने का क्या हिसाब किताब क्या है वॉट इज दॉट बिहाइंड दिस Maybe in September you are not able to give the exam. Maybe आपने रिमोट एग्जाम भरा पेपर नहीं लॉन्च हुआ डिसंबर तक चला गया तो क्या वापस पैसे दोगे नहीं ये दो क्वार्टर्स तक आपको हम एक्सेस ग्रांट करेंगे इन केस इट इज नीडेड पास नहीं हो पाए पेपर नहीं दे पाए या पेपर देना ही नहीं है इंटेंशनली भी सितंबर नहीं देना दिसंबर देना है तो दो क्वार्टर्स तक की एक्सेस के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना ये आपको दो क्वार्टर्स नाइन मंथ्स के ड्यूरेशन में मिलते हैं मतलब आपको नेक्स्ट तीन क्वार्टर में से ही इस पेपर को क्लियर कर लेना है उसमें से दो बार आपको हम एक्सेस दे देंगे सो नाउ स्ट्रिक्टली प्लीज डू नॉट कम अप टू अस आफ्टर इयर्स मैम वो क्लासेस दे दो मैंने तो एक बार ही ली थी ऐसा मत करना वी आर अकाउंटेबल टू कि आपके पास जो बच्चा कोचिंग ले रहा था उसने नौ महीने में भी पेपर नहीं दिया देन वी आर फेलिंग एट आर पार्ट ए सीसी वॉन्ट्स यू टू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन ए सैप

पर मैंने फाइव ही लिखे थे तो फाइव ही बोल देती हूँ अब लेकिन फाइव से ज्यादा आएंगे रूटीन वो है जो ऑटो चेक आपको मिल जाएंगे यानी ये सेक्शन ए और बी में से टैक्स के पेपर में तीन सेक्शन है ए और बी एमसीक्यू बेस्ड होता है तो ये जो रूटीन टेस्ट है ये सेक्शन ए और बी के है आप जैसे ही इनको आंसर करेंगे थोड़ी देर में इसका स्कोर रिलीज हो जाएगा मतलब आपके सबमिट करने पे इमीडिएटली स्कोर रिलीज हो जाएगा And you will get to know कि क्या गलत, गलत किया है एंड वट वॉज दी करेक्ट सोल्यूशन टू इट तो ये वही के वही पता चल जाएगा से ही चालू करी है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट जब बढ़ने लग गए थे तो हाउ डू आई कैच होल्ड ऑफ देम कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं सो दी टेस्ट फॉर देम तो सेक्शन सी के टेस्ट आपके होंगे तीन इनका सिलेबस आपको अभी पता चलेगा पूरे प्लानर में ये तीनों टेस्ट मैं बट पब्लिकली आई एम सेइंग मुझे चार दिन चाहिए करने में अभी मैं आपको अपना ईमेल इनबॉक्स भी दिखाऊंगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक ही टेस्ट में कम से कम ट्वेंटी पेपर्स आ जाते हैं चेक होने के लिए ट्वेंटी थर्टी फोर्टी तो बहुत ही सारे आ जाते हैं आई नीड फोर डेज टू चेक दीज पेपर्स तो चार दिन का गैप प्लीज एक्सपेक्ट करके चलना यू विल गेट योर चेकर्स फॉर श्योर वी ने मिलेंगे दो सो एवरी टाइम स्टूडेंट आस्क मी की मैम आप कोर्स पूरा करा के सोशल मीडिया से गायब हो जाते हो चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो लिंकडिन हो आपकी प्रेजेंस दिखती नहीं है हमें तो आई टेल यू मेरी प्रेजेंस कहा होती है उस टाइम ये जिस क्वार्टर में आप लोगों के पेपर होते हैं ना उससे पंद्रह दिन पहले मैं मॉक्स में उलझी हुई होती हूँ लास्ट क्वार्टर वी है टू फोर्टी स्टूडेंट्स इसमें से एटलीस्ट वन फिफ्टी होते हैं जो मॉक्स देते हैं तो इस टाइम जब आप लोग पढ़ रहे होते हो उस टाइम मैं डैम बिजी हो जाती हूँ बिकॉज एवरी मॉक टेक्स एटलीस्ट ट्वेंटी मिनट्स टू चेक उसका रिजल्ट कंपाइल करना उसका सेक्शन सी चेक करना उस पर कमेंट देना सो फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट पर मॉक इट टेक्स सो तेरह चौदह घंटे मुझे लगते हैं बावजूद उसके ये सिस्टम खत्म क्यों नहीं किया है मैंने बिकॉज इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ पेन इन्वॉल्विंग थिंग और ये आप लोगों को क्यों बता रही हूं क्योंकि इस पार्ट को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए पर फिर भी ये क्यों हो रहा है बिकॉज दिस इज समथिंग विच एक्चुअली गिवस अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू यू ऑल इसलिए इस बार आई एम नॉट टेकिंग टू लाइव बैचेस ये एक लाइव बैच लेने का सबसे बड़ा डिसीजन इसीलिए लिया मैंने ताकि मैं अपने ब्लेंडेड वाले स्टूडेंट्स पर ध्यान दे पाऊं आई वॉन्ट टू एंश्योर एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव दीज मॉक्स फॉर श्योर कैसे भी दो जीरो ले आओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आई वॉन्ट यू टू सिट फॉर थ्री आवर्स एंड गिव दिस मॉक इतना झेलना पड़ता है ना जब ये मॉक्स चेक करने पड़ते हैं नेक्स्ट स्टार्ट आंखों में दर्द होने लग जाता है बैक पेन करने लग जाती है क्योंकि 12-13 घंटे डेली के होने लग जाते हैं व्हेन आर बिजी इन चेकिंग मॉक्स पर फिर भी आई एम स्टिल कीपिंग दिस बिकॉज अगर मेरा रिजल्ट आ रहा है तो ये मॉक्स का बहुत बड़ा रोल है उसमें इसलिए तुम लोगों को मॉक्स देने ये जितने भी लोग यहां बैठे हो जो भी ओरिएंटेशन देख रहा है यू हैव टू नोट डाउन कि मुझे मॉक्स किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है तुम्हारी फीस में मॉक्स के पैसे जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके यही चीज सीखो जिस चीज के लिए पे करते हो ना उसको पूरा का पूरा रियलाइज करना सीखो यू हैव पेड फॉर इट सो डू गिव इट ठीक है सो इस बैच से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि प्रॉपर मुझे मॉक्स आप लोगों के सबके मिलेंगे मिलेंगे या ये भी गायब हो जाएंगे मिलेंगे ना मिलेंगे गुड चलो नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम सेशंस पे नाउ व्हाट इज चेंज्ड विद आवर सिस्टम्स मैंने प्रॉब्लम सेशंस डबल कर दिए काहे बिकॉज़ इन अ बैच ऑफ 90 स्टूडेंट्स 75 आर टेकिंग ब्लेंडेड मॉडल यानी मैं लाइव सिर्फ 10 बच्चों को लेके बैठती हूँ 10 से 15 बच्चे उससे ज्यादा नहीं होते टू इनक्रीस द इंटरेक्शन विद दोस स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ब्लेंडेड दीस प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सेशंस दे हैव बीन इज दिस ओनली ये जितने भी आपको प्रैक्टिस सेशन एट दिख रहे हैं इसमें से सिर्फ दो लूंगी डेज पे क्योंकि मेरा टाइम टेबल बैठ ही नहीं रहा है मैंने हर तरह का अरेंजमेंट बिठा लिया लेकिन वो सारे वीकेंड्स पे नहीं जा पा रहे हैं दो सेशन ऐसे हैं जो वीकडेज पे जा रहे हैं रिमेनिंग सिक्स आर ऑन वीकेंड्स सो नाउ यू डू नॉट एनी एक्सक्यूज कि आप प्रॉब्लम क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं यू हैव टू अटेंड इट अच्छा अब ये प्रॉब्लम क्लासेस को मैंने नाम भी नया दे दिया है नाउ दीस आर प्रॉब्लम कम प्रैक्टिस सेशंस व्हाट इज दिस सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन आवर इन एवरी सेशन नाउ लेट्स सपोज आपकी 15 मिनट्स में ही प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो टाटा बाय बाय नो no. 15 मिनट्स में आपकी प्रॉब्लम्स अगर खत्म हो जाती हैं तो रिमेनिंग 45 मिनट्स आई विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू ऑल यानी या तो तुम पूछ लो वरना मैं पूछूंगी तो इससे ना एक वो जो मैं क्वेज लिया करती थी वो वाला इंटेंट भी सॉल्व होगा यानी हम हम अगर प्रॉब्लम्स कम लेके आएंगे तो बाकी टाइम हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और अगर हमारी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी तो वो तो चलेगा वन आवर के बियॉन्ड भी चलता रहेगा लेकिन मैं मिनिमम वन आवर के लिए आपका ये सेशन रखना चाहती हूं सो दैट आई गेट टू नो वॉट एग्जैक्टली यू ऑल आर डूंग आइडिया इज कैचिंग होल्ड ऑन यू ऑल

और इसकी कोर्स फीस आपने ट्वेल्व थाउजेंड पे करी है विच इज एन इंक्रीज फ्रॉम इलेवन थाउजेंड जो हमारी लास्ट क्वार्टर तक थी हमने पिछले वन एंड हाफ इयर्स इलेवन थाउजेंड चेंज नहीं करी थी और अब ये ट्वेल्व थाउजेंड हो गई है तो होपफुली ये भी चेंज नहीं होने वाली है, half, हाँ, ये है कि प्रैक्टिस सेशन अगर एट है ट्राई टू अटेंड एज मच एज पॉसिबल

No, नो मैम नो मैम भाई सुन रहे हो ना ये सब लगा के चल दिए मैम नो मैम चलो ओके आगे बढ़ते हैं अब ये हैवजर्ड सा क्यों दिख रहा है क्योंकि यार मुझे सच बताओ मुझे टाइम नहीं मिला मैंने फटाफट बड़ी जल्दी जल्दी में वेबसाइट से ये फोटोज पिक करी हैं। <laughs> सॉरी और इवन अगर ये ओरिएंटेशन कोई देख रहा है और वो टैक्स में मार्क्स लाया है पास हुआ है और मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है <laughs> मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये उठाया है इफ आई स्किप्ड एनी वन योर तो ये जितने भी मेरे हाथ लगे वो मैंने डाल दिए इसमें बट इसमें बहुत सारे लोग अभी गायब है उनके मार्क्स अच्छे नहीं है बहुत अच्छे मार्क्स है बट मैं अभी दस मिनट पहले तक ये पीपीटी तैयार कर रही थी सो आई कुड नॉट डू दैट आई रियली अप्रिशिएट इवन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू वट अब ये आपको मैं दिखा क्यों रही हूं क्योंकि टैक्स बहुत स्कोरिंग पेपर है अभी के मार्क्स देखो और इवन मेरे पास तो क्योंकि लैपटॉप चेंज हुआ है मेरे पास तो मेरे फर्स्ट बैच का अंकुश जैन आप उसका लिंक पे भी देख सकते हो मेरे पोस्ट से ट्रैक कर सकते हो ही गॉट एटी फोर वेन आई टुक दर्स्ट बैच अंडर वैल्यू एजुकेशन या एज वैल्यू एजुकेशन ये बहुत स्कोरिंग पेपर है बहुत स्कोरिंग पेपर और इसमें लकीली

ये मिक्स है जो मुझे वेबसाइट से मिले मैंने उठा के डाल दिए लेकिन मार्च का रिजल्ट अभी तक मैं कोलेट कर नहीं पाई हूँ मार्च में ज्यादा मेरे पास टैक्स के बच्चे थे भी नहीं क्योंकि तो पांच छह बच्चे ही होंगे जो दिसंबर में पेपर नहीं दिया था वो मार्च में दे रहे थे लेकिन इनका सबका स्कोर अगर तुम देखोगे ना हैव एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस पेपर तो नंबर वाकई सेवेंटी प्लस लाना टैक्स में वाकई इतना भी मुश्किल नहीं है मनन मनन तो सारे पेपर्स मुझसे पढ़ा है मनन खुराना या लास्ट में दिख रहा है जो राइट राइट में ये सारे पेपर्स मुझसे पढ़ा है आई डोंट रिमेंबर इसने कोई भी पेपर स्किप किया हो शायद सारे मुझसे पढ़े इसने और एक आधा नहीं पढ़ा होगा तो वो इसने सेल्फ स्टडी किया है वहीद के इस पेपर के बाद में रैंक थी फ्रॉम सऊदी अरेबिया या ओमान वहां पे इसकी रैंक थी विद्टी वन मार्क्स तो ये ये सारे बच्चे ये इन्होंने मेहनत करी है एंड दिस इज इज एंड आई वांट टू सी दिस रिजल्ट फ्रॉम योर बैच एज वेल मैं देख रही थी कौन कौन बच्चा टैक्स ले रहा है एंड आई कुड सी मैं आधे से ज्यादा को आप लोगों को जानती थी तो मुझे तुम्हारे कमजोर नसें पता है अब इन बच्चों को दिखा के एक पर्पस तो मेरा ये है आपको ये बताना that this paper is very there is जिनको मैं पहचानती हूं बिकॉज वर ऑलवेज देयर इन दी प्रॉब्लम दे ऑलवेज गेव देयर टेस्ट तो इनके टेस्ट मैंने अपने हाथों से चेक किए ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पे सबने दिए होंगे नहीं होगा एक हो सकता है अनुज ने एक पेपर नहीं दिया हो हो सकता है अरविंद ने यहाँ पे एक टेस्ट नहीं दिया हो बिल्कुल हो सकता है पॉइंट इन लोगों ने एट्टी परसेंट चीजें की सबने और कई ऐसे भी थे जो पास हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था है, ऐसे भी हैं बट दे आर वेरी एक्सेप्शनल तो तुम लोगों को अभी जितनी भी चीजें मैं ऑफर कर रही हूँ उनका एक रीजन है मेरे को शौक नहीं है पूरे पूरे दिन पेपर चेक करते रहने का बट दिस इज एसेंशियल फॉर यू नॉट फॉर मी मेरी तो उम्र निकल गई अब करियर बनाने की आई विल बी फोर्टी नेक्स्ट ईयर अब वो एज नहीं है मेरी जहां पे मैं अपने आप को बहुत चांद तारे पकड़ते इमेजिन करती हूँ नो प्रोबेबली नेक्स्ट फाइव इयर्स आई विल टेक रिटायरमेंट दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर यू यू हैव टू डू दैट इसलिए करना ही है और सबसे अच्छी खबर यह है अब तो इंडस्ट्री आप लोगों को टैक्स प्रोफाइल के लिए भी पिक करने लग गई है यानी इट्स वेरी इजी फॉर यू टू तो एंटर इनटू टैक्स प्रोफाइल एमएमजेएस में रिसेंटली टैक्स के लिए एसीसीएस ढूंढे जा रहे थे बहुत शिद्दत से दे वर वेरी डेस्परेट टू हायर एसीसीएस फॉर देयर टैक्स प्रोफाइल और दुबई दुबई तो इज लाइक आ जाओ एसीसीएस प्लीज दे हैव वैट एज देयर टैक्स सोर्स और आपके सिलेबस में वैट है आप लोग एफ एम में भी इस्लामिक फाइनेंस बहुत ज्यादा पढ़ते हैं यानी कि यूके लंडन में क्या हो रहा है उसको भूल जाओ साउदी नेशन दुबई मलेशिया दीज आर डेस्परेट फॉर यू ऑल और अब तो इंडिया में आप लोगों ने भी चार्ट अकाउंटेंट्स को दफा दफा करना चालू कर दिया है गुड <laughs> दुड बट कीप मेंटेनिंग दिस कोई मुझसे ये पूछने नहीं आएगा कि मैम इसमें से मैं ये पोर्शन छोड़ दू कुछ नहीं छोड़ना है सब कुछ करके जाना है वी हैव अ स्पेशल पेपर टैक्स का जिसमें सब कुछ आता है इसमें सेक्शन सी में भी तीन क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में तो तीन होते ही है सब पेपर्स में ये जो छह क्वेश्चंस है ये इन छह क्वेश्चंस को सब टॉपिक्स में से कवर कर देते हैं वन विल कम फ्रॉम वैट अनादर विल कम फ्रॉम इंडिविजुअल्स अनादर विल कम फ्रॉम कॉर्पोरेशन ये कुछ नहीं छोड़ते तो तीन सेक्शन सी के क्वेश्चन और तीन सेक्शन बी के दीज सिक्स विल कवर अप द होल सिलेबस सो डू नॉट ट्राई टू स्किप अप एनी थिंग नो नो नॉट एट ऑल सब कुछ करना है एक चीज को छोड़ के डेट्स बहुत आती है इसमें तो डेट्स में तो मैं तुम लोगों के साथ हूं। It's really difficult to do that. जितनी याद रह जाए उतनी कर लो। मतलब ये वाला कितने सालों तक हो सकता है? इसकी क्या लास्ट डेट है किसी ट्रेडर को लॉस क्लेम करना है तो कितने सालों में कर सकता है लास्ट डेट क्या है वो डेट्स मैं बिल्कुल समझती हूं कि तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत का काम होती है उनको लर्न करना मैं ट्राई करूंगी उनके लिए कुछ करना बट फिर भी बाकी बचे हुए पोर्शन में सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है एम आई क्लियर ऑन दैट लाउड एंड क्लियर बोलो ठीक है सो वन इज दिस अब इसके बाद में तुम लोगों को थोड़ा सा सी और मॉक टेस्ट के दर्शन कराती हूँ हाउ वी चेक देम हाउ क्रूशियल दे आर तो एक बार स्क्रीन शेयरिंग रोक के लेट मी जस्ट शो यू कि सेक्शन सी टेस्ट हर बैच देने लग गया है तो यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर योर सेल्फ दैट यू हैव टू गिव दीज टेस्ट एक बार मैं अपना जी मेल अकाउंट खोलती हूँ, सारी मेल नहीं दिखाऊंगी तुम्हें किसने दिया है अभी टैक्स जून वाला गया था ना लास्ट हम्म वन सेकेंड हाँ एक बार निकाल दू हम्म आ गया पेज सामने ठीक है स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूं ये हमारा ऑफिशियल जी अकाउंट है उसके सेंट मैसेजेस है ठीक है दिख रहे yes, एकता हरप्रीत रश्मित मोहित प्रेक्षा ये देखो मॉक टेस्ट टू फॉर टैक्स प्रेक्षा मॉक टेस्ट टू फॉर टैक्स ये इसको तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट दीज गॉट इवेल्यूएटेड बिकॉज स्टूडेंट डिड दैट तुम्हें खोल के दिखाऊंगी तो तुम्हें यही पता चल जाएगा कि ओह हो ये क्वेश्चन था मॉक में <laughs> ऐसे खोल के जरूर दिखा देती हूँ ये लो ठीक है दिख रहा है रेड रेड मार्क ऊपर उसकी कॉपी में दिख रहा है चेक किया हुआ सो दिस स्टूडेंट्स डेडिकेटेडली गेव दिस क्वार्टर ये तो मतलब मैं खुद देख रही हूं कि ये कितने सारे तुम्हें दिख रहे हैं आगे पीछे और भी होंगे और सेकंड मॉक तक तो आते आते बच्चे कम हो जाते हैं देना ये टैक्स टैक्स ऑडिट वाले लोगों ने इस बार बहुत शिद्दत से दिए हैं दीज आर वेरी बेनिफिशियल इसमें सेक्शन सी टेस्ट भी होंगे वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं मॉक ही दिखा रहा है यार ये तो ये रहा टैक्सेशन सेक्शन सी टेस्ट टू विधि का है जयतेश का भी है संजीव का भी है विदनिया का ये तो मॉक टेस्ट है दिस इज मॉक मॉक अच्छा ये भी मॉक ही है, सेक्शन बी टेस्ट ऑडिट वाले तो सारे ठीक है पॉइंट ये है यू हैव टू कीप ऑन गिविंग विदन सेक्शन सी टेस्ट थ्री टैक्स सेक्शन सी टेस्ट कवरेज सीजीटी, ठीक है समझे

अब आते हैं प्लानर पे तो क्या था कि ओरिएंटेशन वैसे तो प्लानर डिस्कस करने के लिए होता है बट दिस टाइम आई क्योंकि जितने भी पेपर्स हैं उनको मुझे सैटरडे संडे को अकोमोडेट करना है तो वो डेट्स मैंने चूज कर लिए टाइम लॉग्स तुम टाइमिंग्स तुम अपने हिसाब से चूज कर लेना मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है डेट्स मैंने चूज कर ली और एक आप लोगों को डेट मुझे बतानी है मैं आप लोगों को आपका कैलेंडर खोल के दिखा देती हूँ एक कंफर्म कर देना ऑल दो मैंने अपनी समझ से कुछ डाला है उसमें लेकिन आप लोगों को अगर लगे कि नहीं ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है तो फिर मुझे बताना फिर उसको चेंज कर देंगे ये आपका प्लानर है प्लानर मतलब एग्जैक्ट डेट्स के साथ कि किस दिन क्या चीज होने वाली है उस चीज में क्या डिस्कस करेंगे एवरीथिंग तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम सेशन होने वाला है ट्वेंटी को आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एटीन पे आज से दस दिन बाद

दूसरा सैटरडे नहीं हो सकता क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक तुम्हारे पेपर है फिफ्थ को तुम्हारा एग्जाम है मुझे चार दिन तो चाहिए मॉक्स चेक करने के लिए तो मैंने इसका लेट से लेट चार दिन का गैप रखा है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को मुझे आप लोग मॉक्स की डेट कंफर्म कर दो डू यू ऑल अग्री विद दिस प्लान कि एक मॉक आप दो ट्वेंटी को विच इज अ छुट्टी एंड देन सेकंड मॉक यू गिव ऑन थर्टी इज इट अग्रीएबल फॉर ऑल ठीक है ओनली प्रॉब्लम कैन बी कि वर्किंग डे है हम तीन घंटे में कैसे करेंगे सो आई विल कीप दिस ओपन फॉर आवर्स ठीक है तो आप इसमें अर्ली मॉर्निंग उठ के करना लेट नाइट कर लेना जब भी करना चाहो कर लेना क्योंकि उसके अलावा मैंने सारे दिमाग लगा लिए वो बैठ ही नहीं रहा इफ आई कीप इट ऑन ट्वेंटी देन यू शुड अटेम्प्ट सेकेंड वरना तुम वही गलतियां वापस करोगे तो अगर सैटरडे संडे करूं तो एक तो आता है नाइनटीन को तुम मॉक दे दो वो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा सिलेबस ही तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा नाइनटीन तक और ट्वेंटी सिक्स के बाद में फिर दूसरा सैटरडे संडे पड़ता है सेकेंड को तो मैं तुम्हारा पेपर चेक करके कब दूंगी और इतने लास्ट मोमेंट पे कभी भी मॉक देना भी नहीं चाहिए बाय चांस मॉक खराब हो गया इसमें मार्क्स खराब आ गए तो तुम्हारा पेपर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से खराब हो जाएगा ठीक है इसलिए फिर भी अगर मॉक की डेट आगे पीछे करवानी हो डू मी नो

एक बार धीरे धीरे पहले टैक्स के साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाए उसके बाद में टेस्ट पे आएंगे सो योर फर्स्ट रूटीन टेस्ट विल बी ऑन जुलाई ये ये सैटरडे है वैसे भी ओपन रहेंगे आपको जब करना है आप कर लो बट आई विल सी कि कौन कौन कर रहा है दूसरा रूटीन टेस्ट नाइनटीन को होगा इन दोनों के बीच में इतना गैप क्यों है मैं चाहती हूँ कि एक बार तीन प्रैक्टिस सेशन निकल जाए उसके बाद में तुम लोग टेस्ट दो क्योंकि शुरू शुरू में ही प्रॉब्लम्स आएंगी फिर तुम्हें पेपर को पकड़ना आ जाएगा कि इसको कैसे हैंडल करना है so second test will be on 19th then third one will be on 31st of july उसके बाद में 8th ऑगस्ट एंड 15th ऑगस्ट 15th ऑगस्ट भी छुट्टी है सो आई हैव ट्राइड कि कुछ ये ऐसा बैठे कि तुम छुट्टी वाले दिन को यूटिलाइज कर लो अब सेक्शन सी के तीन टेस्ट सेक्शन सी के तीन टेस्ट का जो सिलेबस है उसके बेसिस पे जब प्रॉब्लम क्लासेस या प्रैक्टिस सेशंस हो जाएंगे उसके बाद ही वो हो सकते हैं जैसे सेक्शन सी के टेस्ट का सिलेबस आपको यहां मिलेगा लास्ट ही लास्ट पेज पे पॉइंट नंबर टू में सेक्शन सी का टेस्ट वन है जो इंडिविजुअल है इंट्रोड्यूस तो आपका फर्स्ट सेक्शन सी का टेस्ट होना चाहिए उसके बाद तो मैंने वो सेट किया ट्वेंटी सेक्शन सी का टेस्ट जो होता है एक इसमें क्वेश्चन आता है फोर्टी मिनट कभी भी ड्यूरिंग दी डे निकालना एंड गेट रेड ऑफ इट ऐसे ही दूसरा टेस्ट होगा संडे सिक्स ऑगस्ट को तीसरा होगा सिक्सटींथ वेन्सडे तो ये चाहो तो मैं फिफ्टीन ऑगस्ट को ओपन कर सकती हूँ वट एवर इज यिटी ऊपर नीचे चलेगी लेकिन टेंटेटिव प्लान तुम लोग यही रखना क्योंकि सिलेबस को बहुत सोच समझ के इसके अंदर डाला गया है ठीक है ये प्लान पूरा का पूरा यहाँ पे और डिटेल्ड है ये क्या सीक्वेंस है ये क्या चैप्टर्स है ये मैं आपको भी दिखाती हूं ये आपका कवरेज है मतलब हम किस प्रॉब्लम सेशन में क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो आपको मिलेगा लास्ट सेकेंड लास्ट पेज पे पहले प्रॉब्लम सेशन में आपको चैप्टर नंबर वन टू थ्री कंप्लीट करके लाने हैं वन टू थ्री के लिए आपको कितने सीक्वेंसेस करने होंगे सिक्स सीक्वेंसेस

मैंने सेशन में खुद बोला हुआ है आपको अब इस पर क्या करना है क्या क्वेश्चन क्लास वर्क में करने हैं क्या क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं तो वो अभी एल एम एस पे जब लेके चलूंगी आई विल ब्रीफ यू दैट लेकिन ये चीज समझ में आई कि कंप्लीशन टारगेट चैप्टर्स का मतलब है कि आप प्रॉब्लम क्लास में कितने चैप्टर्स करके आएंगे एम आई क्लियर विद दिस ठीक है जैसे एट जुलाई वाले में आपको चैप्टर नंबर फोर फाइव सिक्स करने हैं तो ये चैप्टर नंबर यहां मिलेंगे आपको फोर फाइव और सिक्स यानी कितने सेशन करने 7, 8, 9, 10, 11. ये करने के बाद में यू विल बी थ्रू विद चैप्टर नंबर थ्रैप्टर फाइव सिक्स ठीक है ये सारा का सारा प्लानर यहां पर डाल दिया आई एच टी इनहेरिटेंस टैक्स होता है सीजीटी कैपिटल गेन्स टैक्स होता है जब तुम क्लासेस देखते चलोगे तो मैं यही टर्मिनोलॉजी में बात करूंगी तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा ये है क्या वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स तो बैठ के भी यहाँ पे जो तीन सेशन दिख रहे हैं ये सेशन तीन नहीं है एक ही लाइव सेशन है बाकी दोनों उसका थ्योरी पोर्शन है तो थ्योरी पोर्शन को तुम्हें सिर्फ सुनना ही है उठा के कुना करना नहीं है उसमें कुछ भी खाना खाते टाइम देख लो मेट्रो में बैठे हो तो देख लो कैब में बैठे हो तो सुन लो तो थ्योरी वाले पार्ट्स को ऐसे निपटा देना प्रैक्टिकल वाले पार्ट को तो यू विल हैव टू तो सिट विद योर बुक एंड रजिस्टर एंड यू विल हैव टू कीप ऑन नोटिंग डाउन थिंग्स ये स्लाइड समझ में आई ये है क्या ये वाला पेज क्या बताना चाह रहा है आपके मॉक्स की डेट भी इसमें आई हुई है और ये हुई है बताओ इस पेज में कहीं कोई दिक्कत ठीक है और लास्ट लास्ट वाला पेज लास्ट वाले पेज में आप लोगों को राइटिंग में दिया जा रहा है कि जो आपके सेक्शन सी के टेस्ट होंगे वो चार दिन में चेक होके मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट पेपर भी चार दिन में चेक होके मिलेंगे ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है तुम्हारे लिए तो चार दिन से पहले ना मुझसे बार बार पूछना मत कई बच्चे क्या करते हैं शाम को छह बजे पेपर सबमिट किया और सात बजे मैसेज डाल देते हैं मैम मॉक कब मिलेगा अरे भाई डेज डेज के नहीं होगा ठीक है so सो ये आपको इसलिए लिख के दिया गया है ताकि आपको इस चीज का अंदाजा रहे कि कब क्या चीज कैसे होगी पूरे सिस्टम को समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ 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 यार मेरी क्लासेस ना इतनी शांति से चलती हैं आई समवेयर फील लाइक कि मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही चलो अब एलएमएस की तरफ चलते हैं हैं हमें ये 15 करने है। ये सेक्शन करने कब किस टॉपिक से करने हैं ये मैं आपको दस दिन पहले बता दूंगी टू स्टार्ट डूइंग रीजन बिहाइंड मुझे चेक करने से बचना है समटाइम्स स्टूडेंट प्रैक्टिस एज एन ऑडिट मतलब वो एडजस्टमेंट पढ़ते दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर पीछे आंसर देख कर देते। माक कर देते नॉट मेक यू रिमेंबर द प्रोविजन कभी भी इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में बैकफायर करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे फिर हमें एक पेपर मैनेजमेंट की टाइम लिमिट भी मेंटेन करनी है प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी रखनी है

तो आई शो यू दी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जाओ गूगल पे हमारी वेबसाइट सर्च करो वैल्यू एजुकेशन वैल्यू डैश एड डॉट इन नाउ हियर यू विल फाइंड सम लॉग इन क्रीडेंशियल्स जो आपको मेल से भेजी गई है यहां से आप लॉग इन करोगे फिर ये इस तरह का पेज दिखेगा एंड देन यू हैव टू डू माई कोर्सेस माई कोर्सेज में मैं तो हर स्टूडेंट हर बैच की स्टूडेंट हूं

इसलिए इसको अभी तक हटाया नहीं गया ताकि आपको यह चीज पता रहे कि जिस तरह का प्लानर इन लोगों के पास था वैसा ही आप लोगों को मिलेगा वरना मैं अगर हटा देती तो आप लोगों को यही समझ में नहीं आता कि यार ये सब कैसे मेंटेन होंगे सो हियर जून प्लानर विल बी रिप्लेस बाई देंबर प्लानर सेम प्लेस और ओरिएंटेशन इसके नीचे होगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर में द बैच वाज लाइव उनका कोई ओरिएंटेशन नहीं था आप लोगों का जो ओरिएंटेशन है वो इसका नेक्स्ट वाला होगा अब इसमें नेक्स्ट आइटम आता है सेशन इसके लेफ्ट में क्लिक करो ओपन हो जाएंगे तो में आज सुबह से मैंने थोड़ी -चार करी है, so और आपको इसी सीक्वेंस में जाना है तो ये जो आपको यहां पे मैं स्लाइड दिखा रही थी कि ये क्या आइटम है ये आपको बताऊंगी ये वही आइटम है रुको कैलेंडर दिखाते हैं सो यू कैन सी 33 सीक्वेंस वाले सेशन्स। ये सेशन्स में आपको 33 मिलेंगे क्या बिल्कुल 33 मिल रहे, लास्ट वाला है जिसमें चैप्टर फाइव कवर हो रहा है यानी वैट कवर हो रहा है तो ये देखो थर्टी थ्री में वैट कवर हो रहा है ठीक है जैसे ट्वेंटी फिफ्थ को चेक करते क्या ट्वेंटी फिफ्थ नंबर का आई एच टी के लिए है ये रहा आपका ट्वेंटी फिफ्थ नंबर दिस इज आई एच टी और इसके पीछे भी आई एच टी और आगे भी आई एच टी है यानी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स रिलेट्स टू आई एच टी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी तो ये जो सीक्वेंसिंग मैंने डाली है ये आप लोगों के लिए डाली थी लाइव वाले तो बार बार में उनको पता होता है यूज कर करके क्योंकि क्लास जैसे होती है तब डलती है आप लोगों को एक साथ बहुत कुछ मिल रहा है गेट कंफ्यूज सीक्वेंस में जाना है आपको ये ये में ही सारे chapters डले हुए हैं. So ऐसे चलते चलना है. इनको सीधा क्लिक करो. ये क्लास यहाँ से आ जाएगी. फुल स्क्रीन कर लो और चालू कर लो हेलो एंड क्लासेस थोड़ी सी मैंने एडिट कर दी थी इस बार सारी तो दिख रही है जूम की जो बाय डिफॉल्ट होती है उनमें वीडियो छोटी हो जाती है, so अब इसमें कुछ चीजें ऐसी छोटा सा पोर्शन है, है. क्यों छोटा सा टॉपिक था तो आई जस्ट थॉट इनको लाइव में बच्चे जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक छूट गया बच्चे इतने एग्जॉस्ट हो गए थे फिर वो छोटा सा पोर्शन मैंने री रिकॉर्ड करके बाद में दिया उनको। so, और... चाहो तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो ये स्टूडियो मैम तेज भी बढ़ा सकती है लाइफ में अपनी स्पीड में चलती है लेकिन ब्लेंडेड में स्पीड कम और ज्यादा दोनों हो सकती है

नो मैम, ठीक है? अब आते हैं PPT and notes पे। जो भी नोट्स क्लास में चले हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं लेकिन अब इसमें एक खास बात ये होती है कि आप इनको डाउनलोड तो कर ही नहीं सकते तो ये यह यहाँ डाले क्यों गए आप लेट सपोज कहीं अपना हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स कैरी नहीं कर रहे हो पढ़ना है अब तो नोट्स कहां से देखोगे यहां से लेकिन मैंने बोला कि हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी तो तब आएगी ना जब डाउनलोड करोगे तो उसके लिए यही सारे नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में नेक्स्ट फोल्डर में इन पे जाओ क्लिक करो और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा यानी ब्लेंडेड का एक ये फायदा तो मुझे दिखा जो लाइव वाले बच्चों ने बार बार बोला कि मैम एक साथ सारे नोट्स दे दो एक साथ के लिए यार 800 पेजेस की किताब है मुझे भी तो पढ़ने में और बनाने में टाइम लगेगा ना लेकिन आप लोगों के पास एक साथ है सबको डाउनलोड करो

इसलिए नोट्स आपको शॉर्ट क्रिस्प मिलेंगे मुद्दे की बात मिलेगी उसमें की कोई नहीं मिलेगी बकवास मैंने बोल दी है में। यहां से आप डाउनलोड करो बाइंडर बनवाओ ये आगे एग्जाम किट लाइब्रेरी क्या है कई बार क्वेश्चन कई बच्चों ने बोला कि मैम ये वाला बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है पूरा रिकॉर्ड कर दो तो आई हैव रिकॉर्डेड देम और वो एग्जाम किट लाइब्रेरी में डाल दिया उसके बाद में क्लास वर्क एक्सेल शीट्स ये क्या है मैंने जहां पे भी एक्सेल पे काम किया है वो वाली एक्सेल शीट आपको यहां मिल जाएगी आप उस एक्सेल शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला कैसे लगाया है कैसे मैंने सेल साइज मेंटेन किया है ये आपके रिकॉर्ड के लिए उसके बाद में आते हैं सेक्शन सी टेस्ट ये तीन सेक्शन सी टेस्ट है जो भी आप करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं जब मैं चाहूंगी तब खुलेंगे उसके बाद में आती है आपकी प्रॉब्लम क्लासेस जहां पे जून की प्रॉब्लम क्लासेस है वहीं पे आप लोगों की होंगी तुम्हें दिख रहा होगा कि मैम दो ही क्यों है क्योंकि बात बाकी मैंने अपलोड नहीं करी वो अपलोड क्यों नहीं करी क्योंकि एल में ड्यूरेशन इससे बढ़ जाती है मतलब प्रॉब्लम क्लासेस ड्यूरेशन में काउंट होने लग जाएगा तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए ड्यूरेशन कम होती चली जाएगी तो जिन प्रॉब्लम क्लासेस में बच्चों ने कुछ काम की चीजें नहीं पूछी मैंने उनको अपलोड ही नहीं करा तो ये वाली प्रॉब्लम क्लासेस आपकी सेम इसी जगह पे आएंगी सितंबर एग्जाम के नाम से जब भी होंगी आते हैं फिर रूटीन रूटीन टेस्ट पे तो ये टेस्ट ये रहे, जो मैं आपको कह रही थी कि ये फाइव से ज्यादा है ये टेस्ट टू दिख रहा है क्योंकि वन गूगल फॉर्म पे है दैट वॉज थ्रू गूगल फॉर्म ये टू थ्री ये फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टेस्ट है जी तो सात टेस्ट है जो आपको मिलेंगे मैंने पांच ही लिखे मेरे को जितने ध्यान आए मैंने लिख दिए ब्रोशर बनाने में भी बड़ी जल्दबाजी करी थी और ये आपके मॉक टेस्ट पेपर्स ये भी तभी खुलेंगे जब आपका ड्यू डेट ऑफ मॉक आएगी ये लो ठीक है सो द होल आइडिया है सारा कॉन्टेंट रेडी है आप लोगों को रेडी रहना है Now I to guide you all कि आप लोग से पढ़ाने की बजाय एक्सेल में लिखे और बच्चों को बोला मेरे साथ साथ लिखो तो पूरी क्लास ने मेरे साथ साथ लिखा एंड देर सीजीटी वॉज quite strong तो यही चीज ही करना मैं जब क्लास में पढ़ा रही हूं मेजर प्रोविजंस को खुद भी लिखते चलना मुझे पॉज कर सकते हो लाइव क्लास तो चल नहीं रही है जहां मैं रुकूंगी नहीं या तो मैं रुक जाऊंगी तुमने पॉज का बटन दबाया और मैं रुक गई तो अगर मैंने कोई प्रोविजन समझाया है उसका शॉर्ट क्रिस्प बना के अपनी कॉपी में लिख लो नोटबुक में लिख लो इससे प्रोविजंस याद रहेंगे मिक्स नहीं होंगे और अगर फिर भी कोई प्रोविजन बार बार मिक्सअप हो रहा है तो ये जो बचपन में पनिशमेंट मिलता था ना राइट फाइव टाइम्स राइट फाइव टाइम्स सिंपल वो करो ठीक है समझे बात को बताओ yes. बताओ बताओ yes, है ना yes, अच्छा एक yes, और चीज जो हर बैच गलती करता है बच्चे ही बोलते हैं कि मैम हम कर नहीं पाए क्योंकि वीकेंड नहीं मिले बच्चों टैक्स ऐसा पेपर नहीं है जो तुम सिर्फ वीकेंड पे पढ़ोगे आपको रोज़ पढ़ना है I'll tell you why. Saturday, Sunday, तुमने किसी चैप्टर के पढ़े। अब अगर next Saturday, Sunday, वो देखोगे ना, सब गायब हो जाएगा दिमाग से। Everything will be washed off. Don't give that chance. याद करो जब तुम छोटे थे, टेबल्स थे। टेबल्स लर्न करते तो टेबल्स जब क्लासेस में चलती हैं, तो वो बार बार रिवाइज कराते हैं प्लस बी होलूलाज ये बहुत बार 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 याद कराए जाते थे ऐसा नहीं होता था ना कि एक बार कराए उसके बाद में सीधा पंद्रह दिन बाद ही देखेंगे तो टैक्स में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि मुझे रोज आधा घंटा पढ़ना है इट कैन बी सिंपली रिलेटेड टू रिविजिटिंग विजिटिंग दी प्रोविजन इट कैन बी डूइंग जस्ट टू थ्री सेक्शन ए क्वेश्चन नॉट मोर देन दैट बट यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन टैक्स

जहां गलत होंगे वहां मैं करेक्ट करूंगी दिस इज वॉट प्रैक्टिस आर आर मेंट फॉर फॉर दे नॉट नॉट प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू सिट इन एग्जाम इसलिए रोज पढ़ना है तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में बिल्कुल बांध लो दैट सैटरडे संडे सैटरडे संडे ये पैटर्न विल नॉट वर्क विद टैक्स इट हैज टू बी रेगुलर कंसिस्टेंट ठीक है समझे कुछ बात समझ आई ठीक है अब कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड प्लीज आस्क मी मेरी तरफ से आई एम थ्रू एक सेकेंड किसी का एक लंबा सा प्रॉब्लम आई हुई है पूजा की आई एम गोइंग थ्रू द रिकॉर्डिंग ऑफ चैप्टर इन जून ओके टैक्स रेट वाला जो तुम पूछ रहे हो तुम्हारे एग्जाम किट के शुरू के कुछ पेपर्स यही रेट्स रेट से आपको यहाँ पे क्यों नहीं मिले हैं क्योंकि uh -huh. मैंने इसलिए दिए थे ट्रायल सेशंस में उस टाइम तक बच्चों के पास बुक्स नहीं थी

चलो yes, चलो, सो वी ऑल नीड टू कैचअ को आप लोगों को मैसेज डालूंगी कि भाई कल कितने बजे मिलना है। वर्किंग डे तो आप लोग रात के आठ से नौ भी रखते हैं इट्स फाइन आप अगर ये बोलते हैं कि नहीं हमें सेवन थर्टी टू एट थर्टी रखना है ऑल गुड टू गो अमित नोट्स नहीं है एक बार देखने दो अमित चैप्टर टेन कौन सा है just dissect कौन है चपटे पार्टनरशिप देखो इसलिए नहीं है क्योंकि ये चैप्टर बुक से कराया गया है तो जहां पे बुक से कराया हुआ कोई चैप्टर होता है अरे यार ये मेरा नेटवर्क हिलने लग गया शायद आज एलएमएस में थोड़ी सी रिपेयर चल रही है तो मे बी इट कैन शो सम प्रॉब्लम ये देखो ये कैसे घूम रहा है अभी ठीक चल रहा था मैं कनेक्टेड हूं यस मैम मैं एक काम करती हूँ मेरे पास ये क्लास है ना मेरे सिस्टम में ही है रुको मैं तुम्हें दिखा देती हूँ सो यू विल नोट्स नहीं होंगे जो मैंने क्लास में बुक से कराया है उसके नोट्स होंगे ही नहीं और वो कराया इसलिए गया है क्योंकि उसमें नोट्स बनाने लायक कोई चीज ही नहीं है ओके अभी हम्म ये देखो हेलो एंड वेलकम टू पार्टनरशिप दिख रहा है सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं उनमें नोट्स की जरूरत ही नहीं है उसका मैं कारण बताती हूँ पार्टनरशिप में एक तो ट्वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट लगता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला दूसरा इससे पहले जो चैप्टर था ना उसी के प्रोविजन इसमें लगते हैं तो सेपरेटली पार्टनरशिप के अपने खुद के कोई प्रोविजन नहीं है इसलिए इसके नोट्स नहीं मिलेंगे आपको तो जहां पे भी मेरी क्लास में आपको नोट्स नहीं दिखेंगे तो उसके नोट्स मिलेंगे भी नहीं ठीक है यस मैम और बताइए जी और एनी अदर कंफ्यूजन एनी वन अच्छे से मार्क्स लेके आना भाई हम्म एक डाउट था बोलो बोलो मैम जो टेस्ट मे बी सेक्शनल कैन बी जो मॉक टेस्ट है या फिर जो रूटीन टेस्ट है इट कैन बी गिवन 24 आवर में कभी भी कभी भी ओके मैम एनी टाइम एनी टाइम बिकॉज़ प्रणय मेजॉरिटी आर वर्किंग तो एक टाइम बाउंड तो चलेगा नहीं किसी के साथ भी मैम मेरी भी जो स्टार्ट होने लगी थी मैं तभी पूछ रहा था मैंने ट्रेनिंग क्यों से हां नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात सो दे विल बी ओपन एंड देन बस मैं एक आप लोगों से ऑनेस्टी मेंटेन करने के लिए

15 साल हो गए ट्रेनिंग देते हुए और अगर मैं पेपर चेकिंग की बात करूं तो वैल्यू एजुकेशन जब से बना है तब से ही मैं कम से कम दो हजार ही तो चुकी हूं इतना तो अंदाजा मुझे लग गया है कि किस बच्चे ने तीन घंटे में पेपर किया है या फोर्टी फाइव में क्वेश्चन किया है तो प्लीज इस चीज पे ऑनेस्टी रखना वरना तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आएगा ही नहीं अपने आप ही बॉडी जेस्टर्स आराम से चलेंगे ठंडे दिमाग से क्वेश्चन होगा और सही होगा लेकिन एग्जाम में जब तीन घंटे होते हैं ना और ऊपर जब घड़ी चल रही होती है योर बॉडी ऑटोमेटिकली पैनिकिंग आई दैट टू हैपन विद यू यू आर गिविंग टेस्ट नॉट एट द टाइम ऑफ एग्जाम तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर अभी होना चाहिए मैं तुम्हें बोलूँ ना कि आराम से इसको करना तुम गलतियां करोगे ही नहीं लेकिन जब ऊपर घड़ी चलती है ना तो डर लगता है फिर उस स्पीड में आप गलतियां कर देते हो

क्योंकि उनको मैंने तीन घंटे लाइव बिठा दिया था बट <laughs> उसमें प्रॉब्लम यही होती है बहुत सारे बच्चे फिर बैठ ही नहीं पाते मॉक में यस यस प्रणय द फर्स्ट आइटम इन फोल्डर इन योर क्लासेस फोल्डर विल बी ओरिएंटेशन सेशन पूरा का पूरा दिस इज अ गाइड फॉर यू ऑल हाउ यू नीड टू स्टडी अक्रॉस द होल क्वार्टर तो ये मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग ओके ओके जी एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी बताओ Anything guys anything ma'am I have one question bolo bolo ma'am this is my last paper skill level paper so uh, what should I do next means with any skills which I should develop आई यू सी सबसे पहले तो you need to polish your communication and confidence skills मतलब not you everyone सबसे पहली चीज Because uh, the industry is giving a feedback that maybe some people are not technically rich, but those who are technically rich, they are in communication, they are lagging. See, you knowledge until and unless you clearly speak up your mind. Start working on that. I'm going to launch this that probably now.

आप लोगों को भी वहां से एक्सपोजर मिलेगा वेन यू विल गेट टू नो कि मेरे को लोग देखने वाले हैं यानी बेस्ट प्रैक्टिस करके बेस्ट कॉन्फिडेंस से अच्छे से तैयार होके डू दैट और चलो ठीक है अभी तो उसमें डर लगेगा अपने बैचमेट्स के आगे चालू करो तो ये जो प्रैक्टिस सेशन होगा आई वॉन्ट टू हियर ऑल ऑफ यू ब्रीफिंग दी प्रोविजंस समझे बिल्कुल मेरी तरह पढ़ाना सीख, सीखना पड़ेगा तुम्हें और वो सीख जाओगे तो कम्युनिकेशन पे अपने आप ही होल्ड आ जाएगा और उसके बाद में जो भी दिमाग में नॉलेज भरी है वो एक्सप्रेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी ठीक है आयुषी सो दिस इज नॉट फॉर यू एवरी वन इन दी बैच अच्छा और हम मॉक इंटरव्यूज की इस बार तैयारी करवाएंगे सो so डोंट वरी मेरे बहुत okay. सारे स्टूडेंट्स अब पी लेवल थ्रू होने वाले हैं एंड uh, कुछ स्किल लेवल थ्रू भी हो चुके हैं तो अब ये मॉक इंटरव्यूज का अब हमारे कुछ सिस्टम चालू होने वाला है और वैसे भी मैं इस बार एक लाइव बैच नहीं ले रही हूं तो काफी जो फ्री हो जाऊंगी ना टाइम में उस टाइम में दिमाग चलाने को बहुत कुछ होगा <laughs> ठीक है ओके आयुषी चलो एनीथिंग एल्स गाइज एनीथिंग एल्स चलो ऑल सॉर्टेड फिर हम मिलते हैं ट्वेंटी एट को जब भी आपका प्रॉब्लम सेशन है और उससे एक दिन पहले I'll ask you, timings मुझे बता देना लेकिन तब तक के लिए जो भी टारगेट है प्लीज बी रेडी विद दैट टैक्स में अगर तुमने एक भी टारगेट मिस कर दिया बहुत जोर आएगा फिर ऐसा नहीं है कि होगा नहीं हो तो जाएगा लेकिन तुम्हारा तेल निकल जाएगा इसलिए जो भी टाइम टेबल सेट है उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करना यू कैन स्कीप योर टारगेट ओनली बाई टेन परसेंट और फिफ्टीन परसेंट एट्टी एटी फाइव परसेंट टारगेट आपका अचीव होना चाहिए ठीक है एम आई क्लियर लाउड एंड क्लियर ऑन दिस Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ciao. Then catch up on 28th. Till the time, please study. Take care. Bye bye. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Bye, ma'am. Thank, Thank you, you. ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.